अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और ये ईमान वीडियो में नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। वो इस वजह से क्योंकि गाय बकरा जो आ गया ना, इस वजह से। हाँ, गोबर वाली चप्पल लगा दी इसने, गंदी। चल गंदी, यहाँ से घर को। ये देखे कबीर, आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है व्लॉग बनाने का। क्यों? बिल्कुल भी दिल नहीं जा रहा। क्यों? मैं आपको रीज़न बताता हूँ। मेरा चैनल जो है यूट्यूब वालों ने डीमोनेटाइज कर दिया है। डीमोनेटाइज माय चैनल क्यों करा मुझे भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने हालांकि कोई चीज़ ऐसा कंटेंट जो है किसी का चुराया नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं भेजी, अच्छा कंटेंट। मेरा कहने का मतलब ये है कि अच्छा कंटेंट मैं भेज रहा हूँ, ना कोई गाली बकी और किसी का ना कंटेंट चुराए। यूट्यूब वालों ने अपनी तरफ से मेरा चैनल डीमोनेटाइज कर दिया है। क्यों करा मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। अब बस यही अपील है, आप लोग सपोर्ट करें ताकि मेरा चैनल जो है दोबारा से मोनेटाइज हो जाए। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज की वीडियो ना कोई एंटरटेनमेंट है ना फनी है, ये मेरे लिए बहुत ही कोई बैड खबर है। क्यों? मैं आपको सुनाता हूँ। तो भाई आखिरी में वो पिक्चर लगा दूंगा जो यूट्यूब वालों की तरफ से जीमेल आया। तो भाई मैं गया हुआ था स्कूल, स्कूल से एडमिट कार्ड लेकर आया। एडमिट कार्ड के बाद जीमेल आया यूट्यूब वालों की तरफ से कि भाई आपका चैनल डीमोनेटाइज कर दिया गया है। ये खबर सुन के मैं इतना रोया, आपकी सोच है भाई। अब मैंने उसके अंदर पूरा पढ़ा भाई कि क्या है, क्या सीन है। तो उन्होंने बोला कि भाई आपने चैनल किसी का जो है कंटेंट जो है चुराया है। हालांकि आप लोग ने भी देखा होगा कि मैंने कोई कंटेंट नहीं चुराया। किसका कंटेंट चुराया भाई? कंटेंट चुराने से मतलब ये होता है आपने किसी की वीडियो उठा के डाल दी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे कि आप लोग ने देखा, हम अपनी खुद की वीडियो बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि चैनल जो है हमारा डीमोनेटाइज हो जाए। लेकिन यूट्यूब वाले ने कर दिया। अब यूट्यूब वाले से अपील है कि आप लोग अगर ये हमारी वीडियो जो देख रहे हैं कि भाई आप लोग ने क्यों मेरा चैनल जो है डीमोनेटाइज किया है, अगर कोई वीडियो है वो आप मुझे सेंड करें जीमेल पे। कौन सी वीडियो है जिसमें मेरा जो है कंटेंट मैंने जैसे चुराया है, आप मुझे सेंड करें, वो मैं फ़ौरन डिलीट मारूंगा। लेकिन ऐसा मैंने कोई नहीं करा है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं करी है जिसकी वजह से मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो। मैंने कोई कंटेंट नहीं चुराया है। प्लीज़ अपील है आपसे कि मेरा चैनल दोबारा से मोनेटाइज कर दिया जाए। और टेक्निकल इसरार भाई, टेक्निकल असगर भाई, आपसे मैं अपील करूंगा, आप यूट्यूब वाले से जाके अपील करें ताकि मेरा चैनल जो है दोबारा से मोनेटाइज हो जाए। आप लोग भी मेरा चैनल चेक कर सकते हैं। आप जीमेल जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। और अगर टेक्निकल इसरार भाई और टेक्निकल असगर भाई आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो अब मैं आपको क्या कहूँ, मैंने कोई भी चीज़ ऐसी को चैनल कंटेंट जो है नहीं चुराया। आप लोग भी देख लें, चेक कर लें चैनल, तो फिर उसमें कोई गलती हो तो मुझे बताइएगा। लेकिन मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं करी है। और बस यही कहना है इसरार भाई और असगर भाई कि आप लोग यूट्यूब वाले से अपील करें ताकि मेरा दोबारा से चैनल जो है मोनेटाइज हो जाए। और आज की वीडियो इसी के साथ ख़त्म करते हैं, दुख भरी कहानी के साथ मेरी। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और मैं आपको बताऊँ, ये कोई फेक नहीं है, मैं आपको जीमेल जो है दिखा दूँगा मैं, तो आप लोग देखिए क्या सीन है। अगर किसी को समझ में मच आया, अगर यूट्यूब वाले, अगर वो कोई यूट्यूबर है और उसका चैनल मोनेटाइज के साथ भी ऐसा हुआ हो, अगर वो देख रहा है मेरी वीडियो, तो उससे अपील है यार, प्लीज़ आप यूट्यूब वाले से कुछ तो कहें ताकि मेरा चैनल दोबारा से मोनेटाइज हो जाए। टेक्निकल इसरार भाई, असगर भाई, या ख़ास तौर पर आप लोग के लिए मैंने वीडियो बनाई ताकि आप लोग मेरा जो चैनल है मोनेटाइज कर दिए। प्लीज़ आपसे अपील है मेरी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बस आज की वीडियो इसी के साथ ख़त्म करते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। और आज की वीडियो ना कोई एंटरटेनमेंट है ना फनी है, ये मेरे लिए बहुत ही कोई बैड खबर है। क्यों? मैं आपको सुनाता हूँ। तो भाई आखिरी में वो पिक्चर लगा दूंगा जो यूट्यूब वालों की तरफ से जीमेल आया। तो भाई मैं गया हुआ था स्कूल, स्कूल से एडमिट कार्ड लेकर आया।
एडमिट कार्ड के बाद जीमेल आए यूट्यूब वालों की तरफ से कि भाई आपका चैनल डीमोनेटाइज कर दिया गया है। ये खबर सुन के मैं इतना रोया आपकी सोच भाई। अब मैंने उसके अंदर पूरा पढ़ा भाई कि क्या है क्या सीन है। तो उन्होंने बोला कि भाई आपने चैनल किसी का जो है कंटेंट जो है चुराया है। हालांकि आप लोग ने भी देखा होगा कि मैंने कोई कंटेंट नहीं चुराया। किसका कंटेंट चुराया भाई? कंटेंट चुराने से मतलब ये होता है आपने किसी की वीडियो उठा के डाल दी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे कि आप लोग ने देखा हम अपनी खुद की वीडियो बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि चैनल जो है हमारा डीमोनेटाइज हो जाए। लेकिन यूट्यूब वाले ने कर दिया। अब यूट्यूब वाले से अपील है कि आप लोग अगर ये हमारी वीडियो जो देख रहे हैं कि भाई आप लोग ने क्यों मेरा चैनल जो है डीमोनेटाइज किया है, अगर कोई वीडियो है वो आप मुझे सेंड करें जीमेल पे। कौन सी वीडियो है जिसमें मेरा जो है कंटेंट मैंने जैसे चुराया है, आप मुझे सेंड करें, वो मैं फौरन डिलीट मारूंगा। लेकिन ऐसा मैंने कोई नहीं करा है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं करी है जिसकी वजह से मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो। मैंने कोई कंटेंट नहीं चुराया है। प्लीज़ प्लीज़ अपील है आपसे कि मेरा चैनल दोबारा से मोनेटाइज कर दिया जाए। और टेक्निकल इसरार भाई, टेक्निकल असगर भाई, आपसे मैं अपील करूंगा, आप यूट्यूब वाले से जाके अपील करें ताकि मेरा चैनल जो है दोबारा से मोनेटाइज हो जाए। आप लोग भी मेरा चैनल चेक कर सकते हैं। आप जीमेल जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। और अगर टेक्निकल इसरार भाई और टेक्निकल असगर भाई आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो अब मैं आपको क्या कहूँ, मैंने कोई भी चीज़ ऐसी कोई चैनल कंटेंट जो है नहीं चुराया। आप लोग भी देख लें, चेक कर लें चैनल, तो फिर उसमें कोई गलती हो तो मुझे बताइएगा। लेकिन मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं करी है। और बस यही कहना है इसरार भाई और असगर भाई कि आप लोग यूट्यूब वाले से अपील करें ताकि मेरा दोबारा से चैनल जो है मोनेटाइज हो जाए। और आज की वीडियो इसी के साथ ख़त्म करते हैं, दुख भरी कहानी के साथ मेरी। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय। और मैं आपको बताऊं ये कोई फेक नहीं है, मैं आपका जीमेल जो है दिखा दूंगा मैं, तो आप लोग देखिए क्या सीन है। अगर किसी को समझ वमझ आया, अगर यूट्यूब वाले, अगर वो कोई यूट्यूबर है और उसका चैनल मोनेटाइज के साथ भी ऐसा हुआ हो, अगर वो देख रहा है मेरी वीडियो, तो उससे अपील है यार, प्लीज़ आप यूट्यूब वाले से कुछ तो कहें ताकि मेरा चैनल दोबारा से मोनेटाइज हो जाए। टेक्निकल इसरार भाई, असगर भाई, या ख़ास तौर पर आप लोग के लिए मैंने वीडियो बनाई ताकि आप लोग मेरा जो चैनल है मोनेटाइज कर दिए। प्लीज़ आपसे अपील है मेरी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बस आज की वीडियो इसी के साथ ख़त्म करते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय। माशाल्लाह से बैठी भी है। और आपको एक और बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई यूट्यूब वाले से मैंने बात करी थी लेकिन कोई बात नहीं बनी, क्योंकि मैंने यूट्यूब वाले से बोला था कि कौन सा कंटेंट है जो आप लोग ने उसकी वजह से जो है डीमोनेटाइज करा मेरे चैनल। अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। तो जब आई रिप्लाई आखिरकार आ गई है वीडियो में, और एंग्री मैन हैज़ स्टार्टेड, देख सकते हैं गुस्सा। तो चले मुझको, इसने मुझे मार दिया थप्पड़, अब इसको पड़ेगा रप्पड़। नहीं भाई, एंग्री मैन शुरू हो गई है। चलो पर। और मेरा चैनल के साथ बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह सही हो जाएगा, अल्लाह पर भरोसा है मुझे। तो ईमान जा रही है पाक पतन और उसका व्लॉग ईमान बनाएगी। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये एंग्री मैन का गुस्सा। बस बस चलो, हो गया, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, चलो। तो भाई ईमानदारी है, पाक पतन तो ईमान ब्लॉगिंग करेगी, तो आप लोग देख लीजिएगा ईमान के चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जितने भी ईमान के सब्सक्राइबर हैं मेरे भी करा वाला जब्बा मारोगे। ये एंग्री मैन हैज स्टार्टेड। ओके, आई एम डूइंग मुर्गों को दाना एंड मिलिंग बाद में। मुर्गों को दाना पानी दे चुका हूँ। बस आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।